या विवाह इतनी खतरनाक चीज है जी को होगो उभी रो रो जिसके नहीं भाव उभी रो रो। बोलो सीताराम, जिनको होगा उनकी हार्ट बीट पूछो कैसी चल रही, रोज बीपी हाई और लो हो रहा। बाहर तो ठीक रहा, घर में जैसे ही देवी जी के सामने, क्यों सरदार जी खुश हो भी आओ से तुम देखो भी हैरान है बैठे, जबरदस्ती या मुड़िया हला रहे। ये देखो बेचारा बच्चा ये तो ही क्या है जरा। हाँ अब बगल में देवी जी बैठी, मना कर नहीं सका था कि खुश नहीं है, अगर मना करेंगे तो घर जाते ही महाभारत, और यहां तो हम हैं सो बचाए ले रहे, घर जाके तो कोई नहीं बचा सका था। हाँ जिनकी शादी हो गई वो भी रो रो के कांसे झंझट में पड़ गए, और जिनकी नहीं भाई भी और ज्यादा रो रहे कि ईश्वर करे हो जाए, वे होबे के लाने रो रहे। बोलो सीताराम, ऐसे एक बेर हमारा चंगीलाल, हमारा चेला चंगीलाल, चंगीलाल की नई नई शादी, लुगाई का नाम मुन्नी भाई, मुन्नी बहन, मुन्नी बहन शादी हुई, कटिंग करवाने गया, बाल कटिंग, कटिंग करवा करके आया, पत्नी से बोला देखो गुजरात में का आदमी, कच्छ का आदमी, हाँ हाँ थेम्स नदी के किनारे कटिंग करवा देगा, हाओ लंदन, कच्छ को आदमी, गुजरात को आदमी, और मुन्नी भाई भी अहमदाबाद की। अब अहमदाबाद में कल पता बताएंगे कहां रहती थी। कटिंग करवा करके आया, पत्नी से बोला देखो हम तुमसे तुम्हारी उम्र में अब 10 साल छोटे लग रहे हैं। तो उसकी लुगाई भी गुजरात की, वो बोला मुंडा होकर के आता नया बच्चा लगता। उस दिन के बाद उसने कटिंग करवाना ही छोड़ दिया। आजकल उसके इतने बड़े बड़े वार हो गए। सिया राम जय राम। तो जिनका विवाह हो गया वो भी रो रहे, जिनका नहीं हुआ वो भी रो रहे। सिया बलराम चंद्र की, ये तो विनोद की बात है, बुरा मत मानना। विनोद का मतलब जानते हो? विनोद का मतलब मौज, मौज की बात। देखो राम जी की फौज हमेशा रहे मौज। हाँ बोलो सीताराम।